नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मत्स्य विभाग में सालों से अपनी मेहनत से एक ऐसी तकनीक को ईजाद किया है जो आप लोगों के लिए, जो मत्स्य पालकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। वो तकनीक क्या है, आज हम उनसे जानेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी का, जो कि कृषि विश्वविद्यालय मीरठ से आज खास तौर पर कृषि जागरण के स्टूडियो में मौजूद हैं। सर का पूरा परिचय हम उन्हीं से लेना चाहेंगे। तो दिग्विजय जी, आपका स्वागत है हमारे कृषि जागरण के इस मंच। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीवी सिंह, प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, प्रभारी मत्स्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। मैं आज अपने किसान भाइयों को मत्स्य पालन के बारे में प्रमुख जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने अभी एक तकनीक के बारे में हमें बताया। जैसे भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 7 लाख के परिवार जो हैं वो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का रोज़गार है ये। तो ऐसी कौन सी तकनीक आप बताना चाहेंगे जिससे भारत में ये जो मत्स्य पालन है जो एक सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में यदि वो मिश्रित मत्स्य पालन को अपनाएं, मिश्रित मत्स्य पालन मीन्स संग्रंथित मत्स्य पालन, जिसमें हमारे देश की 3 प्रजातियाँ रोहू, कतला, नैन, और 3 विदेशी प्रजातियाँ सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प को सम्मिलित किया जाता है। इनका लगभग 10,000 बच्चा अंगुलिका आकार का, जो 3 से 4 सेंटीमीटर साइज का होता है, उसे 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में ये संचय कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि हमारे मत्स्य तालाब का निर्माण ऐसी जगह होना चाहिए जहां जमीन ढलान लिए हुए हो, जिससे हम अगर किसी आपात की स्थिति में तालाब से कुछ पानी निकालना चाहें तो तालाब का पानी खाली कर सकें और हमारी मछलियां जल भराव के कारण तालाब से बहने न पाएं। इसके अतिरिक्त वहां पर हमें तालाब निर्माण करना चाहिए जहां की मृदा बहुत अच्छी गुणवत्ता की हो, यानी वहां 90% मृदा अच्छी हो और 10% से ज़्यादा कंकड़ पत्थर इत्यादि ना हो। तो हमारे किसान भाई ऐसी जगह मछली पालन का तालाब का निर्माण करके उसमें मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं। अब निर्माण करते समय किसान भाइयों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अक्सर उनको जानकारी के अभाव में वो जमीन की सतह से 1 मीटर या इससे अधिक खुदाई करने लगते हैं, जबकि हम जमीन की सतह से 0.5 मीटर तक अगर खुदाई करें, उसके बाद जो उससे मृदा प्राप्त होती है वो ऊपर 1.5 मीटर तक हमें बंड बनाने में पूरी तरह से पर्याप्त होती है। तो मैं किसान भाइयों से उनकी लागत ज़्यादा ना आए इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जमीन की सतह से मात्र 0.5 मीटर तक नीचे की खुदाई करें और बंधा 1.5 मीटर तक ऊपर उसके बनाएं। इस प्रकार से एक तालाब की गहराई जो संस्तुत की गई है 2 मीटर, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 मीटर से ज़्यादा गहरे तालाब में हमारे सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता, जिसमें हमारे जंतु मूल के और वनस्पत मूल के जो भोजन होते हैं, अक्सर वनस्पत मूल के भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद होता है। तो फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँचेगा, वो केवल 2 मीटर तक ही प्रवेश कर पाता है। तो किसान भाइयों को अनावश्यक रूप से लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक तालाब में 2 मीटर से गहरा बिल्कुल ना रखें एक तालाब को, और साथ ही साथ ये जो हमारी 6 प्रजातियां हैं इनका संचय एक तालाब में किया जाए, इसी को हम मिश्रित मत्स्य पालन या संग्रंथित मत्स्य पालन कहते हैं। सर, ये जो मिश्रित मत्स्य पालन आपने बताया, तो जो 5 फिश आपने जो बताई हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अदर अदर कैटेगरीज में खाने के लिए, उनके थोड़े नाम और उनको ही क्यों चुना जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो हमारी 6 प्रजातियां हैं, 3 देसी और 3 विदेशी। देसी प्रजातियों में रोहू है, जिसे हम लेबियो रोहिता के नाम से जानते हैं। दूसरी मछली इसमें है सिराइनस मृगला, जिसे नैन के नाम से जानते हैं। और तीसरी मछली इसमें है कतला, जिसे हम कतला के नाम से जानते हैं। ये हमारी 3 हमारे देश की मछलियाँ हैं। इसी के साथ साथ 3 विदेशी मछलियाँ हैं, जिसमें सिल्वर कार्प,
सिल्वर कार्प को हाइपोथैलेमिक थाइस मोलस्टिस के नाम से जानते हैं। ग्रास कार्प को हम टीनोफेरिंगोडॉन आइडिला के नाम से जानते हैं। और कॉमन कार्प एक प्रजाति होती है जिसे हम साइपिरिनस कार्पियो के नाम से जानते हैं। ये हमारी 6 मछलियां हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इन 6 मछलियों को ही क्यों हम एक तालाब में संचय करें जी। इन मछलियों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो भी हमारे स्थानीय रूप से भोजन उपलब्ध हैं उनको ग्रहण करके इन्हें तेजी से वृद्धि करने की क्षमता इनमें होती है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात इनमें होती है कि ये मछलियाँ आपस में किसी को कोई कंपटीशन नहीं करती हैं और अच्छे से एक साथ रह के आसन बेसन करती हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तीसरी चीज़ है कि जो भी हमारा लोकल रूप से उपलब्ध भोजन है उन्हें ग्रहण करके इनमें मांसपेशियों में बदलने की सबसे तीव्र क्षमता होती है। इसलिए हमें इस मिश्रित पालन का उपयोग अपने मत्स्य उत्पादन के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इसका प्रबंधन तालाब का और अच्छा उत्पादन लेने के लिए करते रहें, जिसमें सबसे अहम बात है गर्मी के सीजन में इसमें अगर हमें औसत उत्पादन से ऊपर उत्पादन लेना है यानी 25 से 30 कुंतल से ज़्यादा हमें उत्पादन लेना है तो हर तालाब में एक एरिएटर हमें लगाना चाहिए और उस एरिएटर को 3 से 4 घंटे चला करके और हमें एरिएशन अच्छी तरह से एक तालाब में करना चाहिए। जब हम एरिएशन को अच्छी तरह से करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के कारण हमारे मछलियों की अच्छी वृद्धि होती है और मछलियां हमारी बहुत अच्छा वजन प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ संचय के पश्चात 10,000 अंगुलिका के संचय के पश्चात हम इन्हें नियमित रूप से भोजन कराते रहें। भोजन कराने के लिए हम अगर अंगुलिका साइज की मछली का संचय कर रहे हैं तो शरीर के वजन का 2 से 3% भोजन हमें इन्हें कराना है। इसके लिए हम गणना करते हैं 10,000 अंगुलिका लगभग कितनी किलोग्राम की हुई है। इसका सीधा तरीका है कि 10-10 अंगुलिका प्रत्येक प्रजाति की रोहू कतला नैन सिल्वर कार्प कॉमन कार्प और ग्रास कार्प का हम वजन ले लेते हैं। इस प्रकार से हमें औसत वजन का पता हो जाता है जी। फिर हम उस औसत वजन को 10,000 मछलियों के साथ गुणा करके देख लेते हैं कि कुल हमारे तालाब में कितना किलोग्राम मछली का संचय किया गया है। माना कि हमने 100 किलोग्राम मछली का संचय कर दिया है। 100 किलोग्राम मछली के संचय करने के बाद अगर हमें 2 से 3% भोजन की मात्रा यूज करनी है तो 3 किलोग्राम भोजन प्रतिदिन के हिसाब से हमें करते रहना चाहिए। इसके पश्चात जब हम लगभग 3 महीने बाद फिर से इसका एक असेसमेंट करेंगे कि हमारी मछलियों का इसमें वजन कितना है, यदि हमारी मछलियां 80 से 100 ग्राम तक प्रतिमाह नहीं बढ़ती हैं तो हमें इसके विभिन्न कारणों का ज्ञान करना होगा, जैसे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तालाब में पीएच मान कितना है पानी का। इन सब को देखने के लिए हमें निरंतर उसके लिए किट रखनी होगी। ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए ऑक्सीमीटर आता है, पीएच मान नापने के लिए पीएच पेपर आता है। इन सबको अगर हमारी ये एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो इनकी जांच करके इसे ठीक करने का उपाय भी है। जैसे 7 से 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर अगर तालाब में उपलब्ध नहीं है तो वो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। 7.5 से 8.5 पीएच मान अगर नहीं है तो वो उचित नहीं है। इससे ज़्यादा होने पर हमारी मछलियों में अच्छी वृद्धि नहीं होती। उसके लिए तमाम तरीके हैं। चूने का 300 किलोग्राम सामान्य परिस्थिति में हम उपयोग करते हैं जिससे हमारे पानी का पीएच मान भी ठीक हो जाता है, साथ ही साथ जीवाणु विषाणु के विरुद्ध हमारे तालाब में यह कार्य भी करता है। चूने का कई उपयोग है तालाब में, इसलिए चूने को निरंतर सामान्य तौर पर 300 किलोग्राम प्रयोग करते रहना चाहिए। अच्छी भोजन की उत्पादकता के लिए तालाब का खादीकरण भी होना चाहिए, जिसमें 15 से 20 टन गोबर की खाद को 12 किस्तों में बांटने के बाद हर माह एक किस्त का इस्तेमाल करना चाहिए।
स्वच्छता को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए फार्मर्स को? खासकर हमने देखा है जो ग्रामीण इलाकों में तालाब बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो लोग पानी की कमी ना आए सीवरेज डालना शुरू कर देते हैं, गांव का तमाम सीवरेज उधर तालाब में भेजना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तालाब पर? हाँ बिल्कुल सही है, ये जीवधारी हैं, इन पर ठीक उसी प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता है जैसे अन्य जीवधारियों पर पड़ता है। अगर आप इसमें डिटर्जेंट का पानी आ रहा है गांव से कपड़ा धुलने वाला या अन्य किसी प्रकार का गंदा पानी आ रहा है तो तालाब के ऑक्सीजन और पीएच मान को प्रभावित करेगा जी। यदि तालाब का ऑक्सीजन और पीएच मान प्रभावित होगा तो मछलियों की वृद्धि उचित रूप से नहीं होगी, इसलिए हमें इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि तालाब के पानी को स्वच्छ करने के लिए 300 किलोग्राम चूने का उपयोग वर्ष भर में उसे आप 12 किस्तों में बांटकर करें जिससे हमारे तालाब का पीएच मान और ऑक्सीजन और तालाब में जीवाणु विषाणु इत्यादि से मुक्ति रहे, तभी अच्छी वृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर निगेटिव प्रभाव डालता है, मछलियों की उत्तरोत्तर वृद्धि में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें इस प्रकार के प्रदूषित जल को हमारे मछली पालन तालाब में नहीं जाने देना चाहिए। सर पानी की कमी को पूरा करने के लिए कोई और तरीका या कोई और तकनीक ऐसी हमारे किसान भाइयों को बताएं जो उनको गर्मियों में खासकर उनको झेलनी पड़ती है, पानी वाटर लेवल डाउन जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको डर सताया रहता है कि पानी की कमी ना हो जाए तालाब में, तो कोई और ऐसा तरीका है टेक्निक है ऐसी जिससे वो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर सीवरेज से अलग हटके करते तो? तालाब में पानी डालने के लिए तो जाहिर सी बात है या तो आस पास के नहर से जोड़ दिया जाए तालाब को जी, आसानी से उससे पानी लिया जा सकता है जी, और या तो हमारे पास डीप वेल सबमर्सिबल पंप होना चाहिए। पानी की जहाँ तक कमी होने की बात है वो लगभग अगर देखा जाए तो 24 घंटे में अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा सीपेज है जी, तो वो स्थान उपयुक्त नहीं माना गया है मछली पालन के लिए जी। इसके लिए हम मृदा की जांच कराते हैं, हर जिले में मत्स्य विकास अभिकरण है जहां पर अपनी मृदा को आप भेजेंगे तो वहां इसकी जांच हो जाती है कि मृदा में जो अवयव हैं वो हमारे मछली पालन के योग्य हैं या नहीं। इसके अलावा पानी अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिश्ता है तो उस स्थान को हम परिवर्तित कर दें। नॉर्मल कोर्स में जो पानी की कमी आती है गर्मी में वो सिर्फ पानी रिसने की वजह से आती है, और जहाँ पानी रिसता है उसका तमाम तरीके से उपाय है। यदि आप उसमें दो ट्राली बगास आधे हेक्टेयर क्षेत्रफल में, एक ट्राली गोबर की खाद और दो क्विंटल भूसे को तली में डाल करके तली की जुताई कर दें, उसके बाद उसमें पाटा चला दें, फिर पानी भर दें, तो जो पोर होते हैं सीपेज के वो चेक हो जाते हैं और आने वाले एक महीने के अंदर इस प्रकार से पानी के रिसाव को रोका जा सकता है। ये बहुत ही सरल और देहाती तरीका है जिसको मैंने अपने यहाँ तालाबों में करके देखा है। इसके अलावा तालाब में पॉलीथीन तली पर लगाई जाती है, उसके ऊपर लगभग एक फिट से थोड़ा ज़्यादा चिकनी मिट्टी डाली जाती है, इससे भी सीपेज रुक सकता है। अन्यथा अगर सीपेज की समस्या जो मैक्सिमम संस्तुत की गई मात्रा है पानी की 30 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा नहीं है तो पानी रिसने की समस्या के अलावा और कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है उसे हम तालाब में बार बार पानी भर करके कवर कर सकते हैं। और बार बार तालाब में पानी भरना इसलिए भी आवश्यक है कि थोड़ा स्वच्छ जल जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और पीएच मान सही रहता है। नॉर्मल कोर्स में अगर हम तालाब का पानी प्रदूषित देखते हैं तो उससे पानी को 1/4 हम 6 महीने में एक बार निकाल देते हैं और उतना पानी फ्रेश वाटर हम उसमें स्वच्छ जल ऐड कर देते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।